ये है महाराष्ट्र राज्य का एक जिला हिंगोली। राज्य के कुल 36 जिलों में एक और मराठवाड़ा के उत्तरी भाग में स्थित ये जिला अपने प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों जैसे मल्लीनाथ दिगंबर मंदिर, औंधा नागनाथ, संत नामदेव संस्थान, तुलजा देवी संस्थान के लिए जाना जाता है। यहीं 11 अक्टूबर वर्ष 1916 को जन्म हुआ एक ऐसे महान राजनेता और समाज सेवी का जिसने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। वैसे तो इनका पूरा नाम था चंडिका दास अमृतराव देशमुख, लेकिन वे नानाजी देशमुख के आदरयुक्त संबोधन से ही पूरे देश में प्रसिद्ध हुए। नानाजी का बचपन बहुत अभावों में बीता था, परंतु शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा उन्हें पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट तक ले गई, जहां से नानाजी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1930 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय प्रचारक गुरु गोलवलकर की प्रेरणा से संघ में शामिल हुए और राष्ट्र सेवा के लिए तन मन से जुट गए। आपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के 500 से अधिक गांवों में सामाजिक पुनर्गठन कार्यक्रम चलाया और उत्तर प्रदेश में संघ की इकाइयों की स्थापना का अत्यंत दुष्कर और श्रम साध्य कार्य भी किया। वर्ष 1977 में जब जनता पार्टी सरकार बनी तब नानाजी को मुरारजी मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रस्ताव था, मगर पद और प्रचार से पूरी तरह विमुख रहने वाले श्री नानाजी ने ये कहकर मंत्री पद लेना अस्वीकार कर दिया कि 60 से अधिक की आयु के लोगों को सत्ता से बाहर रहकर समाज सेवा करनी चाहिए। कहना न हो कि राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अनूठी मिसाल कायम करते हुए श्री नानाजी देशमुख ने वर्ष 1980 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर समूचा जीवन सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। इसमें प्रमुख था दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना, जो स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को फलीभूत करने की दिशा में कार्यरत एक ग्रामीण विकास संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जहाँ विद्यार्थियों और युवा वर्ग के लिए बहुत सी प्रेरणादायी गतिविधियाँ चलाई जाती है। परंतु जिस कार्य ने श्री नानाजी देशमुख का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया वो है मध्य प्रदेश के चित्रकूट में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना। ये भारत का अपने ढंग का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है और नानाजी देशमुख को ही इसके प्रथम कुलाधिपति होने का श्रेय जाता है। वर्ष 1989 में श्री नानाजी जब पहली बार चित्रकूट गए तो भगवान श्री राम की पावन भूमि की दुर्दशा देखकर व्यथित हुए कि मंदाकिनी नदी तट पर बैठकर मन ही मन संकल्प ले लिया कि अपने जीवन काल में चित्रकूट की तस्वीर बदल कर रहेंगे। वे कहा करते थे कि उन्हें राजा राम से वनवासी राम अधिक प्रिय हैं, कारण प्रभु श्री राम ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 14 वर्षों में से 12 वर्ष यहीं चित्रकूट में गरीबों की सेवा में बिताए थे। श्री नानाजी देशमुख का निधन चित्रकूट विश्वविद्यालय में ही 27 फरवरी 2010 को हो गया। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में कर्म करने वाले लोगों को आदर्श और सेवा भाव का पथ दिखाने वाले नानाजी की जीवन ज्योत भले ही पंच तत्व में विलीन हो गई, मगर अपने कार्यों के बल पर आज भी वे इस देश के क्षितिज पर ध्रुव तारे की तरह अटल है। वर्ष 1999 में श्री नानाजी देशमुख को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और वर्ष 2019 में उनके निधन के पश्चात आपको देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज इन्हीं नानाजी देशमुख की जन्मभूमि हिंगोली में दिनांक 1 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के क्रिस्प यानी सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस के सौजन्य से कौशल्य विकास व उद्योजकता केंद्र की स्थापना की जा रही है, जो कि भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख के नाम पर ही है। क्रिस्प के अध्यक्ष, कार्यकारी मंडल और प्रबंध संचालक डॉक्टर श्रीकांत पाटिल के शब्दों में कहें तो हमने हिंगोली को कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए इसी उद्देश्य से चुना है, ताकि हम श्री नानाजी देशमुख की जन्मभूमि पर ग्रामीण रोजगारोन्मुखी कार्य कर उन्हें अपनी विनम्र आदरांजलि दे सके। क्रिस्प की ओर से ये एक सच्चे राष्ट्रभक्त और समाज सेवी के प्रति विनीत मान वंदना है।